फैक्ट नंबर एक, गाइस शाहरुख खान की पठान मूवी पर बवाल मच चुका है और ये बवाल इसके गाने बेशरम रंग की वजह से हुआ है। असल में इस गाने के लिए एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है जो कि बिल्कुल भगवा रंग की तरह ही दिख रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर गाने से सीन्स और ड्रेस नहीं बदले गए तो वो राज्य में मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर इस तरह पहले भी हिंदू धर्म का अपमान करते आया है और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार ही कर दी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद स्वरा भास्कर ने ये क्या कह दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, इन्हें अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। अब इस बयान के बाद तो लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। फैक्ट नंबर दो, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि पूरी दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में एक इकोनॉमिस्ट अश्विनी देश पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह शेयर किया कि इजिप्ट में उन्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना था जिसके लिए उन्हें एक ट्रेवल इजिप्शियन एजेंट को पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी। तभी उस एजेंट ने कहा कि आप शाहरुख खान के देश से हो ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं अभी बिना पैसे के ही आपकी बुकिंग कर देता हूं। आप बाद में मुझे पेमेंट कर देना और आप उनके देश से ही हैं इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप पेमेंट जल्दी कर देंगी। गाइस क्या आपने कभी काक भुसुंडी के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उन्हें ये वरदान था कि वो समय और स्थान के बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी कहा है। यही नहीं, वो टाइम ट्रेवल करके समय का बनना और बिगड़ना दोनों देख सकते थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा था, जिसमें उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अलग ही देखा था। और आज जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन बेस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुका है, वो सारी बातें हमारी सदियों पुराने ग्रंथ पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं।